कोडिंग फैशन को कोडिंग में लिख दिया है ECUKMQP। अब देखो फैशन में जो है सात लेटर हैं, डिजीज को भी उसी कोड में करना है जिसमें फैशन को किया है, तो फैशन का एफ जो है अपने ई कर दिया, एक कम किया है, तो इस मतलब डी में भी हम एक कम कर देंगे, ये सी हो जाएगा। फिर ए से सी हो गया, यानी दो लेटर बढ़ा दिए, आई में दो लेटर बढ़ा दो, के हो जाएगा। फिर एस को हमने यहाँ यू किया तो ऑफकोर्स यहाँ भी एस को यू ही करेंगे। एच को के किया, यानी तीन लेटर बढ़ा रहे हैं, तो तीन लेटर बढ़ेंगे अगले में, ठीक है। तरतीब से जिस हिसाब से लेटर यहाँ बढ़ रहे हैं ना, वैसे यहाँ बढ़ेंगे, एच हो जाएगा। फिर आई हमारा एम हो गया, यानी चार लेटर बढ़ा दिए, तो ए में भी चार लेटर बढ़ा दो, ई। फिर ओ हमारा क्यू हो गया, दो लेटर बढ़ाएं, तो यहाँ भी दो लेटर बढ़ेंगे, एस जो हमारा यू हो जाएगा। फिर एन हमारा पी हो गया, दो लेटर बढ़े, तो ई में भी दो लेटर बढ़ा दो, जी। यही हमारा आंसर। देखो बच्चों, रेन को इन्होंने लिख दिया कोड बट में PXWR। अब देखो आप बचाए सारे कोड सॉल्व करने के, नीचे देखो तो नीचे पेन है, और रेन और पेन की स्पेलिंग बिल्कुल सेम ही है सिवाय पहले लेटर। तो आप बस आर को पकड़ लो कि आर को इन्होंने पी किया, यानी दो लेटर कम किए, तो पी में भी दो लेटर कम कर दो, यानी एन कर दो। बाकी यहाँ ए आई एन इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तो ए आई एन को उन्होंने XWR लिखा है, तो नीचे भी ए आई एन की जगह क्या आएगा, XWR आएगा।